ये है जी न्यूज की सीनियर रिपोर्टर पूजा मक्कड़। सोमवार को इन्होंने स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का डोज लगवाया था। पूजा मक्कड़ ने वैक्सीन की डोज लेने से लेकर उसके बाद तक तमाम वीडियो शेयर किए और अपने चैनल पर यह बताया कि किस तरह से देश में बनी ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। लेकिन महज 24 घंटे बाद ही उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उन्हें बुखार होने लगा और जिस हाथ में उन्होंने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया था उसमें दर्द शुरू हो गया। जी न्यूज की वेबसाइट पर प्रकाशित खबर के मुताबिक इसके बाद पूजा मक्कड़ को एम्स के डॉक्टर्स ने कॉन्टेक्ट किया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि डॉक्टर्स ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन के बाद इस तरह के लक्षण दिखना आम है, इससे डरने की बात नहीं है। इससे पहले लाइव प्रसारण के दौरान पूजा मक्कड़ ने टीवी पर कहा था कि कोरोना वैक्सीन के 20 घंटे बाद भी वो नॉर्मल हैं और उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कोवैक्सीन का टीका लगवाया था लेकिन 24 घंटे बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उसके बाद उन्हें डॉक्टर से संपर्क करना पड़ा। पूजा मक्कड़ ने खुद को कोवैक्सीन के ट्रायल के लिए खुद को वॉलंटियर की तरह पेश किया और उसका वीडियो जी न्यूज पर प्रसारित करके ये दावा किया गया कि देश में बनी स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने ICMR के साथ मिलकर विकसित किया है। केंद्र सरकार ने इसके इमरजेंसी यूज की मंजूरी दे दी है। हालांकि इस वैक्सीन के ट्रायल, उसके परिणामों और सैंपल को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र।